नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिना तेल के छोले मसाला। जी हाँ दोस्तों, आज के छोले मसाला में हम एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले 150 ग्राम छोले, जो कि 4 आदमियों के लिए बहुत हैं, हम उबाल के रख लेंगे। इसके अलावा 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू भी हम उबाल लेंगे। आलूओं को हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे और अपने छोले को दबाकर देखेंगे कि हमारे छोले पक गए हैं नहीं पक गए हैं। हमारे छोले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आलूओं को हम उबले हुए छोलों में मिक्स कर देंगे और गैस को सिम पर ऑन कर देंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे सूखे मसालों की। बाज़ार में रेडीमेड छोले मसाला मिल जाता है, तो हम सबसे पहले लेंगे छोले मसाला पाउडर, इसके बाद लेंगे गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आमचूर पाउडर और सबसे लास्ट में डालने के लिए अदरक की कतली। इन सभी चीज़ों की हमें बिना तेल के छोले मसाला बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे छोले थोड़े से गर्म हो जाएंगे, छोले और आलू जब हमारे थोड़े से गर्म हो जाएंगे, तब हम इसमें ये सभी सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें हमारा आमचूर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और छोले मसाला है। रेडीमेड छोले मसाला में अनारदाना मिक्स रहता है, तो आपको अलग से अनारदाना खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हमारे सारे मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं, तब हम इसे धीमी आँच पर धीरे धीरे पकाएँगे और लास्ट में अदरक की कतली को भी इसमें ऐड करेंगे। अदरक की कतली ऐड करने के बाद देखिए इसका रंग कितना बढ़िया आ गया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और 8 से 10 मिनट पकाने के बाद आपके बिना तेल के छोले मसाले तैयार हो जाएंगे। जब हमारे छोले मसाले उबलने लग जाएं, तब हम इसमें एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर देंगे, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस दोस्तों, 8 से 10 मिनट चलाने के बाद आपके स्वादिष्ट लजीज छोले मसाला तैयार हैं। इसमें हमने एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे आप चावल, पूड़ी, रोटी किसी के साथ भी खाइए और मज़ा कीजिए।